हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं वेज बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम बाजार जैसा बर्गर बनके तैयार होगा, देखिए। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसको हमें कैसे बनाना है आप पूरा वीडियो देखिए और एकदम परफेक्ट बर्गर बनके तैयार होगा आपका, एकदम बाजार जैसा। देखिए, हमने जो इसके अंदर टिक्की होती है वो भी हमने घर पर ही बना के तैयार की है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, और खाने में ये बहुत ही लाजवाब होता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। हमने ये एकदम सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान से बना के तैयार किया है। आप इसे इस तरह से फटाफट बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टिक्की का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमने ये गाजर लिया है, गाजर को कद्दूकस कर लिया, थोड़ा सा बीन ली है हमने, बीन को बारीक काट ली है, हरी मिर्ची, मटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने ये उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके लिया है। एकदम बारीकी से मैश कर लेना है हमें इसे, या तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से हमने सब्जियां ली हैं। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने सरसों का ऑयल डाला है और तेल को गर्म होने देते हैं। से तेल गरम हो गया, एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था। हमने अदरक और लहसुन को बारीक से कद्दूकस कर लिया था, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। हरी मिर्ची डाल देते हैं, इसे भी भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। सारी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह से हमें इस तरह से अच्छे से भून के इसके बाद हम इसमें आलू डाल देते हैं मैश करा हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्ची भी पहले काट के डाली है, इसलिए लाल मिर्च कम डाला है, आपको जितना तीखा पसंद हो। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के चाट मसाला। इसका चटपटा सा और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए चाट मसाला डालना है, और चाट मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम ढक के पकने देते हैं इसे। जो इसमें बीन्स वगैरह डाली है हमने अच्छे से पक गया है। देखिए मसाला एकदम तैयार है। गैस बंद कर देते हैं, हम इसे ठंडा होने के लिए थाली में रख देते हैं। ये हमने ब्रेड की पीस लेके इनको बारीक पीस लिया है, ब्रेड क्रम्ब बना दिया है, और हम इसमें 2 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल देते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमने ब्रेड क्रम्ब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान है, इस तरह से गोल करेंगे और फिर हम इसकी साइड में दबाते हुए इसे अच्छा सा गोल शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है। अब हम 2 चम्मच मैदा लेते हैं, और मैदे में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसका एक पतला सा घोल बना के तैयार करते हैं अच्छे से। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, इससे ज्यादा गाढ़ा ना करें और ज्यादा पतला भी ना करें। अब हम एक टिक्की लेंगे, इस टिक्की को इस मैदे के बैटर में डुबाएंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में लपेटेंगे इस तरह से, जो हमने ब्रेड क्रम्ब बना के रखा था। देखिए इस तरह से क्या होता है, जब हम इसको फ्राई करेंगे ये फैलेगा नहीं, और इसके बाहर से बहुत ही अच्छे से क्रंची बनेगा ये। और हम इसी तरह से सारी टिक्कियों को
मैदे के बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम में लपेट के तैयार कर लेते हैं इस तरह से। और इधर मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा था, तेल गरम हो गया है, अब हम टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। हम इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद। और देखिए इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक का हम दोनों तरफ से पलट के सेक लेते हैं इनको। और ये टिक्की बन के तैयार हो गई है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी टिक्की, सारी टिक्की तैयार है। अब हमने ये बर्गर वाला बन लिया है इस तरह से। अब हम इसे काटते हैं चाकू की मदद से, हम इस बन को बीचों बीच से इस तरह से काटेंगे। और देखिए ये हमने बन काट लिए हैं, सारे बन काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे म्यूनी बटर लगाएंगे पहले इसमें, सारे बनों में थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे। लगा दिया बटर, और बटर वाले बन को हम इस तरह से एक पैन गरम करेंगे। पहले पैन में हम इनको थोड़ा सा सेक लेते हैं इस तरह से। हमने ये बन अच्छे से सेक लिए हैं, देखिए काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गए। अब हम इसे उठाएंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे अब मियोनी। हमने एक ब्रेड बन का नीचे वाला स्लाइस लिया है, जो नीचे से काट के बनाया था हमने, इसमें डालेंगे हम मियोनी इस तरह से। और इसे पूरे इस पर फैलाएंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम एक स्लाइस टमाटर की और एक स्लाइस प्याज की इस तरह से। अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने टिक्की बनाई थी, इसको रखेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनती है ये। और अब हम इसके ऊपर चीज की स्लाइस रखेंगे इस तरह से। ये देखिए चीज स्लाइस, टिक्की गर्म है तो हमें इसे वापस गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर हम फिर टमाटर रखेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर और प्याज रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फिर से मेयोनीज और इसके ऊपर हम इसका ऊपर वाला पोर्शन लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बर्गर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये बर्गर खाने के लिए तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।